दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास SBI का खाता है तो आपको फ्री में मिलेंगे 2 लाख रुपए, और दोस्तों साथ ही साथ आप कोई सी बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और दोस्तों कैसे करना होगा ये क्लेम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और दोस्तों इस योजना को कब शुरू किया गया था इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है आपका SBI में बैंक खाता है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना नई से नई जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अगर आपका SBI बैंक में खाता है तो आपको 2 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए ये काम की खबर हो सकती है। दोस्तों SBI अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है। दरअसल बैंक ये सुविधा जनधन खाते के खाते धारकों को दे रही है। दोस्तों SBI जिन ग्राहकों के पास रुपए डेबिट कार्ड है उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देता है। दोस्तों डेबिट कार्ड का उपयोग करने वालों को मृत्यु बीमा, खरीद सुरक्षा कवर और अन्य लाभ मिलते हैं। जनधन अकाउंट खाते धारक मुफ्त इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कैसे करना होगा क्लेम। इस योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी भारत के बाहर हुई घटना भी कवर होती है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर बीमा राशि के अनुसार भारतीय रुपए में क्लेम का भुगतान किया जाता है। न्यायालय के आदेश के अनुसार लाभार्थी कार्ड धारक या कानूनी उत्तराधिकारी के खातों में नॉमिनी बन सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसफर करने का भी होता है विकल्प, यानी बेसिक सेविंग अकाउंट को जनधन अकाउंट खाते में ट्रांसफर करने का विकल्प भी होता है। जिसके पास जनधन खाता है उन्हें बैंक से रुपए PMJDY कार्ड मिलता है। दोस्तों 28 अगस्त 2018 तक खोले गए खाते धारकों को जारी रुपए कार्ड PMJDY कार्डों की को बीमा राशि 1 लाख रुपए होगी। और दोस्तों 28 अगस्त 2018 के बाद जारी रुपए कार्ड पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर बेनिफिट मिलता है। दोस्तों 2014 में शुरू हुई थी योजना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना साल 2014 में शुरू की गई थी। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती तरीके से फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग, बचत और जमा खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच को सुरक्षित करनी है। कोई भी व्यक्ति अपने ग्राहक को जानिए KYC डॉक्यूमेंट देकर ऑनलाइन जनधन खाता खोल सकता है। तो दोस्तों अगर आपके पास यानी SBI में बैंक खाता है तो आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, और दोस्तों कई सुविधाएं भी मिलेंगी साथ में। अगर आपका जनधन खाता नहीं है तो आप बेसिक अकाउंट को जनधन खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये भी सुविधा इस योजना में मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना नई से नई जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती